हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, बच्चों जो आपका एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी को, उसका एक वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, फटाफट जाइए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, या फिर आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, हम आपको ग्रुप के अंदर एड कर देंगे। यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के दिनों में आपको एग्जाम से पहले रियल जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, वो आपको हमारे चैनल सबसे पहले मिलेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। तो देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली, ए मूविंग पार्टिकल, उन्होंने कहा जब भी कोई पार्टिकल होता है वो मूविंग करेगा, तो कैन बी एसोसिएटेड विद ए वेव्स, यानी उससे संबंधित रिलेटेड क्या होगी, एक वेव्स होगी। दी वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स, ये जो आपका वेव्स होने वाले मूविंग क्या होगी, पार्टिकल के साथ होगी, आर नाउन एज डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव, यानी मैटर वेव की तरह क्या करने वाली है, व्यवहार करने वाली है। एंड लेंथ ऑफ दी वे इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो इस मैटर वेव जो लेंथ होगी उस लेंथ को हम बोलेंगे कॉल्ड बी डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये थ्योरी है डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। अब हमको इसका क्या है, फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए, फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, जब भी हमारा पार्टिकल क्या करेगा भाई, ट्रेवल करेगा, तो उससे क्या होगी, एक संबंधित क्या होगी भैया, एनर्जी भी होने वाली है। तो आपको लिखना है दी एनर्जी ऑफ ए फोटोन, यानी फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ई बराबर एच न्यू। इक्वेशन नंबर हम इसको नाम दे दिया फर्स्ट। अब बात करते हैं हम एनर्जी की, एक समीकरण और दी थी किसने, आइंस्टीन ने, जो क्या थी, मास एनर्जी रिलेशन था। तो आपको लिखना है फ्रॉम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, क्या होता है बच्चों, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू इसको नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर भी एनर्जी है, यहां पर भी एनर्जी है, यानी समीकरण एक और समीकरण दो से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो आप कह सकते हो जो एच न्यू है वो इक्वल टू होगा एम सी स्क्वायर के। अब देखिए, जो आपका न्यू है, न्यू न्यू है क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। इसका फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू सी अपोन में लेमड़ा, तो यहां हमने पुट कर दिया सी अपोन में लेमड़ा इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद हमने क्या किया, इस लेमड़ा को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेमड़ा मल्टीप्लाई एमसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया, आपका एच सी बच गया। यहां से आपको लेमड़ा का वैल्यू निकालना है, तो एमसी स्क्वायर क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। करने के बाद बच्चों देख पाओगे आप, यहां से सी से आपका सी क्या है, कट जाना है, तो लेमड़ा इक्वल टू एच अपॉन में एमसी। ये आपकी क्या है भाई, वेव लेंथ है डी ब्रोगली की। ये फॉर्मूला है बच्चों, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसके बेस पे क्या है आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। इसको हम आगे की तरफ देखते हैं बच्चों, आगे क्या क्या हम इसके साथ कर सकते हैं। आपको लिखना है ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, मास हमने m माना पार्टिकल का, मूविंग विद वेलोसिटी v देन, यानी कि उस पार्टिकल का मास m है और वेलोसिटी क्या है आपकी v है। तो देखिएगा ध्यान से, लेमड़ा इक्वल टू एच अपॉन में क्या है एम वी, यहां सी के स्थान पे क्या आ गया, वी आ गया। क्यों, क्योंकि उसका हमने वेलोसिटी क्या मान लिया भैया, बी मान लिया है। अब देखिए, जो द्रव्यमान और यानी कि मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई होता है, एक होता है संवेग को हमने प्रेजेंट किया है, किससे, पी से प्रेजेंट किया। अब हम ये देखेंगे डी ब्रोगली जो वेव लेंथ है, इसे क्या क्या कंक्लूजन बाहर निकल कर आते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बच्चों बनता ही बनता है। तो देखिए, तो कंक्लूजन देखिए, जो फर्स्ट कंक्लूजन हमने निकाला है, आप कह सकते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू दी वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल, यानी जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा वेवलेंथ वो क्या है प्रोपोर्शनल है इनवर्सली 1/v के। ये पहला क्या है कंक्लूजन बाहर निकल कर आया है। सेकंड क्या है दी पार्टिकल एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट में है तो जो आपका वेलोसिटी हो क्या होने वाला है जीरो होने वाला है, हैज यूनिफॉर्म डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये आपका सेकंड क्या है कंक्लूजन है। एंड बात करते हैं बच्चों थर्ड की, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल, यानी कि लैम्ब्डा क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके मास के, ये आपका क्या है भाई थर्ड कंक्लूजन है। अब बात करते हैं बच्चों फोर्थ कंक्लूजन की, क्या है डी ब्रोगली और मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑन दी, यानी डिपेंड नहीं करता है वेव और मैटर वेव जो है आपकी किस पर मास पर डिपेंड नहीं करती है भाई, चार्ज पर बच्चों किस पर चार्ज पर डिपेंड नहीं करते, सॉरी मास पर, मास नहीं लिखना चार्ज लिखना है आपको। ओके बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल जो कंक्लूजन बाहर निकला है, डी ब्रोगली वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, यानी जो डी ब्रोगली वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होती, ये बच्चों आपको बात ध्यान में रखनी है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बन सकता है बच्चों, और सब्जेक्टिव में जितना बन सकता था मैंने सारा ही आपको करवा दिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि यार पसंद वीडियो आया होना जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए बच्चों, एग्जाम के अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं ताबड़तोड़ आपको तैयारी करनी है, मैं भी जी जान से बच्चों आपके लिए लगा हुआ हूँ मेहनत करवाने के लिए जैसे कि आपका एग्जाम क्या है अच्छे से जा सके। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।